एआईएडीएमके की जनरल बॉडी की बैठक में आज शशिकला नटराजन को जयललिता का औपचारिक उत्तराधिकारी चुन लिया गया। बैठक में शशिकला को सर्वसम्मति से पार्टी का अंतरिम महासचिव चुना गया है। ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम उन्हें चुनौती दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और सर्वसम्मति से शशिकला नटराजन के नाम पर मोहर लगाई गई। इस दौरान खास बात ये रही कि एआईएडीएमके जनरल काउंसिल की बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की कुर्सी बीच में रखी गई, जिस पर उनकी तस्वीर रखी गई। भाषण के दौरान सीएम ओ पन्नीरसेल्वम काफी भावुक नजर आए। इस बैठक में 14 प्रस्ताव पास किए गए हैं। इन प्रस्तावों में जयललिता के जन्मदिन को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाए जाने का प्रस्ताव भी शामिल है। इसके अलावा जयललिता को मैग्सेसे अवार्ड और नोबेल शांति पुरस्कार दिए जाने की मांग करने का प्रस्ताव भी पास किया गया। आपको बता दें कि पिछले 3 दशकों से ज्यादा समय से जयललिता यह पद संभाल रही थी, लेकिन अब उनकी जाने के बाद उनकी करीबी और भरोसेमंद सहयोगी शशिकला नटराजन पार्टी की कमान संभालेंगी। माना जा रहा है कि अपने ज्योतिषी की सलाह पर शशिकला 2 या 3 जनवरी को पहली बार पार्टी मुख्यालय जा सकती हैं। आपको बता दें कि शशिकला नटराजन थेवर समुदाय से हैं। जयललिता के जीवन में वो पर्दे के पीछे से पार्टी का काम देखती रही थी और इसके लिए उन्हें जयललिता का आशीर्वाद प्राप्त था। हालांकि एक जमाने में यह भी कहा जाता था कि जयललिता के हर फैसले के पीछे शशिकला का हाथ होता था। हालांकि दोनों के रिश्तों में कई बार खटास भी देखी गई। तो शशिकला नटराजन को अब अंतरिम महासचिव चुन लिया गया है, लेकिन अभी भी महासचिव पद के लिए चुनाव होगा। पार्टी के नियम 20(2)(a) के तहत के चुनाव करवाया जाएगा, क्योंकि पार्टी का एक धड़ा ऐसा भी है जो शशिकला को महासचिव बनाए जाने से नाखुश है। देखते रहिए डीबी लाइव।